लंदन में बाफ्टा अवार्ड्स में 76वें संस्करण में युद्ध स्तर पर बनी फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने में कामयाबी हासिल की। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट गैर इंग्लिश फिल्म समेत कुल 7 कैटेगरीज में जीते हैं अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को मिला है, तो वहीं बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म टार के लिए केट ब्लैंचेट को मिला है। बाफ्टा अवार्ड्स में फिल्म द बंश्रीज ऑफ एनी शेरिन की स्टार कास्ट कैरी कॉन्डोन और बैरी कीगोन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता। निर्देशक जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर को सोमवार को लंदन में चल रहे बाफ्टा अवार्ड्स के 76वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ स्पेशल विजुअल इफेक्ट के खिताब से नवाजा गया। बाफ्टा के 76वें संस्करण में भारतीय उम्मीदों पर फिर से फिर गया पानी। भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म सम्मान नवलनी से हार कर इसे गवा दिया। अभिनेता शरद केलकर ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवाजी जयंती के अवसर पर मराठा योद्धा राजा की विरासत और विचारधारा को याद करते हुए उनके जीवन और करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री जिनत अमान ने उन सभी अटकलों को किया खारिज जिसमें दावा किया गया था कि सोशल मीडिया पर वो इसलिए एक्टिव हैं क्योंकि वो सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने वाली हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अपने फिल्मकार पिता डेविड धवन के लिए सूजी का हलवा बनाया। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा रिलीज हो चुकी है। इस बीच कार्तिक आर्यन फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। हालांकि कार्तिक ने अपनी कार को नो पार्किंग जोन में पार्क किया, इसी कारण उन्हें पुलिस की तरफ से झटका लगा। गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी गदर 2 में खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रोहित चौधरी का फिल्म में पहले छोटा सा हिस्सा था, लेकिन निर्देशक अनिल शर्मा को उनका काम पसंद आया। उसके बाद उनकी अब इसमें भूमिका बढ़ा दी गई है। हाल ही में रिलीज हुई ओटीटी डॉक्यूमेंट्री सीरीज रोमांटिक्स को मिल रही है सकारात्मक प्रतिक्रिया। निर्देशक स्मृति मुंगड़ा का मानना है कि दर्शकों द्वारा सीरीज को इतना पसंद किए जाने का एक कारण YRF प्रमुख आदित्य चोपड़ा हैं। कई साल बाद वो कैमरे के सामने आए। और अब बात करते हैं